हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड, चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे, वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि लोकतंत्र की डेफिनेशन बताई थी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी बताए थे, और साथ ही साथ बताया था हमने कि किस तरह से भारत में इलेक्शंस होते हैं, भारत के इलेक्शन की विशेषता बताई थी। आज हम याद करेंगे कि टोटल इलेक्शन के जो दो बेसिक मेथड होते हैं तो वो दोनों कौन कौन से हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और भारत जैसे देश में कौन से मेथड से इलेक्शन किए जाते हैं, और क्या देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं क्या एक ही तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र इलेक्शन के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके गठन, उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्तियां और उनके कार्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन के दो मेथड है। पहला FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सर्वाधिक आगे वही जीते। यानी कि इस प्रणाली के अंदर भारत में मेनली जितने भी इलेक्शन जिसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया जाता है, उन सभी इलेक्शन में FPTP मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम बताएंगे FPTP होता क्या है और भारत में ये प्रणाली यूज करने का, लागू करने के पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले इसमें क्या आते हैं, पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा में टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र है, और ये जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होता है इसमें एक सदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि हर एक चुनाव से पहले हर एक एरिया के अंदर कैंडिडेट पहले से डिसाइडेड होता है, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करती है। तो जो भी वोटर्स होते हैं उनको पहले से ही पता होता है वो किस पॉलिटिकल पार्टी और किस कैंडिडेट के लिए वोट कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है किसी व्यक्ति विशेष की छवि होती है, जिसके कारण उनको वोट हासिल करने में ज्यादा आसानी होती है। यानी अल्टीमेटली हर वोटर को पता होता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो FPTP मेथड के अंदर जितने उन्हें परसेंटेज ऑफ वोट मिले और सीटों की संख्या का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि जितने परसेंट ऑफ सीट मिले हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उससे ज्यादा नंबर ऑफ सीट या उससे कम नंबर ऑफ सीट भी मिल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 1984 के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, लेकिन उसमें जो टोटल उन्हें परसेंटेज ऑफ वोट मिला था मात्र 48% मिला था। लेकिन अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो मोर देन 80% सीट जो कांग्रेस की पार्टी ने जीते थे। तो इसमें परसेंटेज ऑफ वोट और नंबर ऑफ सीट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि 50% + 1, ये जो कैलकुलेशन है इसमें इसकी जीतने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जितने भी कैंडिडेट एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए उसमें से जो भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। और ये जो प्रणाली है, ज्यादातर जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि भारत और इंग्लैंड में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत की सरकार मिले। क्योंकि अगर देश में पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तो वो सरकार स्थिर होती है और जो प्रधानमंत्री होती है उनकी शक्तियों ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि गठबंधन की सरकार आती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अलग अलग पार्टियों की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है जो आगे चलकर एक दूसरे से टकराव होती है, और जिसके कारण बीच में सरकार गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शन कराने की नौबत तक आ जाती है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, भारत एक विकासशील देश है, और चुनाव प्रक्रिया बहुत ही लंबी और खर्चीली पद्धति है, जिससे कि अवॉइड करने के लिए कोशिश की जाती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आए ताकि सरकार जनता के लिए अच्छे और बड़े फैसले ले सके। आपको पता होगा कि भारत में बहुत समय के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, और इसी का परिणाम है कि देश में बड़े बड़े फैसले हुए। उसके बाद 2019 के अंदर फिर भारत में जो BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जिसी का सबसे बड़ा परिणाम है कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें 370 जो उन्होंने कश्मीर में था उस आर्टिकल को हटाया गया। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार ना होती तो सरकार के द्वारा इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले लेना असंभव होता।
तो यही रीजन है कि भारत में एफपीटीपी प्रणाली अपनाया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे जनता इतनी ज्यादा एजुकेटेड अवेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो एफपीटीपी मेथड है ये समझने गणना करने में काफी आसान है और आम व्यक्ति भी इसकी गणना को समझ सकता है। दूसरा, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी अगर हम दूसरे मेथड जो प्रोपोर्शनल मेथड है यानी कि पीआर मेथड के नाम से जाना जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी रीजन रहेगी भारत में एफपीटीपी प्रणाली इस्तेमाल करने का। दूसरा, इसमें जो वोटर और कैंडिडेट के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है ये भी इलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के सभी चुनाव में एफपीटीपी मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई चुनाव है जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं जो दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उस मेथड की क्या विशेषता है और किस तरह से एफपीटीपी से अलग है, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरे देश को जो है निर्वाचन क्षेत्र या तो एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है या बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, यानी कि पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जैसे कि इसराइल के अंदर है। इसराइल एक छोटा देश है, यहाँ पे संभव है, लेकिन भारत जैसे विकास बड़े देशों में ये संभव नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है ये बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होता है, यानी कि एक क्षेत्र से कई सदस्य चुने जाते हैं। इसके अंदर जो वोटर्स होते हैं जनरली वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, उन्हें पहले से पता नहीं होता कि इस क्षेत्र के अंदर कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, ये इलेक्शन के बाद पार्टी के डिसीजन होता है, यानी कि पहले से उन्हें केवल ये पता होता है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे, कैंडिडेट के बारे में उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा ये बहुत ही जटिल प्रणाली है, इसकी गणना कठिन है और ये छोटे देशों में ही उपयुक्त होती है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर जो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसमें गठबंधन की सरकार आती है, मिली जुली सरकार आती है, इसलिए इसमें अस्थिरता बनी रहती है। तो ये बेसिकली जो पीआर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी विशेषता हमने बताया। तो इसके बेसिस में हम दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है एफपीटीपी के अंदर, जो पीआर मेथड के अंदर है या तो एक या बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ये एक सदस्य चुनाव क्षेत्र होता है, इसका निर्वाचन क्षेत्र जो होता है बहुसदस्यीय होता है, इसमें वोटर और कैंडिडेट के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसमें वोटर और कैंडिडेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट और सीटों की संख्या का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, पार्टी को परसेंटेज ऑफ वोट जितने भी परसेंट ऑफ वोट मिला है उससे ज्यादा या कम सीटें भी मिल सकती है एफपीटीपी के अंदर, लेकिन पीआर में क्या होता है कि जितने परसेंट ऑफ वोट मिले हैं टोटल सीटों का उतने नंबर है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सीट हासिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान ले कहीं पे भी टोटल 10 सीटें हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 60% वोट हासिल किया है तो 10 में से 60% सीट यानी कि 6 सीट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगा। इस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार आ सकती है, इसमें ज्यादातर गठबंधन या मिली जुली सरकार आती है, इसमें जो सरकार का जो आती है वो स्थिर हो सकते हैं और इसमें ज्यादातर सरकार होते अस्थिर होते हैं, यानी कि बार बार इलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। जो एफपीटीपी मेथड है वो बड़े देशों के लिए जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें यूज किया जाता है, और जो पीआर मेथड है जल्दी जहां पे देश का आकार छोटा हो, कम पॉलिटिकल पार्टीज हो, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये इनके कैरेक्टर के बेसिस पे हमने डिफरेंस पता लगाया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमने बताया था कि भारत में लगातार जब से देश आजाद हुआ है तब से डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया गया था और आज तक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना हुआ है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन हो, इसीलिए एक संस्था का गठन किया गया जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। तो पहले उसके गठन की बात करते हैं कि भारत में 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था, लेकिन 1989 के बाद इसे बहुसदस्य कर दिया गया है जिसमें एक प्रमुख चुनाव आयुक्त होते हैं, बाकी दो निर्वाचन
चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें की कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष, जो दोनों में से जो भी पहले आएगा वो टर्म पूरा माना जाएगा। इसके जो भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से किए जाती है। और इनके जो बेसिकली कार्य की हम बात, इनको जो हटाने की बात करें तो इनको जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हें समय से पूर्व हटाने के लिए लोकसभा के दोनों सदनों से विशेष प्रस्ताव पास करने के बाद ही राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, लेकिन अन्य दो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब इनके हम बेसिकली कार्य पढ़ेंगे क्योंकि इनके कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं, चुनाव आयोग अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी भूमिका निभाता है। तो देश में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के विधान परिषद के चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनावों में जो चुनाव आयोग है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका निभाता है और सभी जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको मॉनिटर, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या करता है, वोटर्स की जो लिस्ट होती है, हर साल नए वोटर इसमें शामिल होते हैं, कुछ वोटर्स की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको उनके वोटर लिस्ट से उन्हें नाम हटा दिया जाता है ताकि सही मायने में पता चल सके देश में कितने लोग एलिजिबल वोटर्स के अंदर आते हैं। दूसरा, चुनावी कार्यक्रम तैयार करना, जैसे कि चुनाव की तिथि घोषणा करना, नामांकन की तिथि, चुनाव के परिणाम की तिथि, जो मतलब जो भी वोट होते हैं वोटों की गिनती की तिथि, ये सारे जो डेट्स होती है चुनाव आयोग के द्वारा ही तय किए जाती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट के लिए जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाना, ये भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उन सबको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसके बेसिस पे जो भी कैंडिडेट होता है वो चुनाव लड़ता है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का ये सिंबल है और उस सिंबल के बेसिस पे वोट कास्ट करती है। तो ये सिंबल भी चुनाव आयोग के द्वारा ही हर एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्शन होने के बाद अगर चुनाव आयोग को शक होता है या संदेह होता है कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है, यानी कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है, तो दोबारा वो इलेक्शन के लिए आज्ञा भी दे सकता है। यानी कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, फैसले हैं, कार्य है, उन सब पे निगरानी रखना, सबके लिए रूल्स बनाने का काम चुनाव आयोग का होता है। इसके साथ साथ जो हमारे देश में इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं और सारे इलेक्शन इतने एफिशिएंटली, निष्पक्ष और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, इनका क्रेडिट चुनाव आयोग को ही जाता है। क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद जितने भी केंद्र सरकार के अफसर होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सब पर जो अधिकार होता है वो चुनाव आयोग का हो जाता है, और असली मालिक में उस टाइम पे कौन हो जाता है, चुनाव आयोग हो जाता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग की जो अपनी एक बहुत ही प्रभावशीलता है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोजिशन है देश के अंदर, और देश में आने वाले चुनावों में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ ही चैप्टर और वीडियो दोनों ही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।